हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने देखा था ट्रेंड्स इन एडवर्टाइजिंग मीडिया, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था ट्रेंड्स इन एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग। अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले ट्रेंड्स इन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मतलब रिसेंटली एड एजेंसी में क्या ट्रेंड चल रहा है या एड एजेंसी का रोल किस तरीके से चेंज होते जा रहा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है ट्रेंड्स टूवर्ड्स ग्लोबल जॉइंट वेंचर। नाउ सबसे पहले जॉइंट वेंचर क्या होता है, तो आपको पता है वेंचर मतलब बिजनेस, तो जॉइंट वेंचर मतलब क्या होगा, जब दो बिजनेसेस जॉइंट होते हैं या एक होते हैं तो उसको जॉइंट वेंचर बोला जाता है। और ग्लोबल जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है कि कुछ इंडियन बिजनेसेस जो है वो फॉरेन के बिजनेसेस के साथ टाई अप कर रहे हैं या जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे ग्लोबल जॉइंट वेंचर बोलते हैं। सो सेम यहाँ पे एड एजेंसी को भी एप्लीकेबल होता है। एड एजेंसी जो है वो क्या कर रही है, ग्लोबल जॉइंट वेंचर कर रही है, मतलब पूरे वर्ल्ड की जो एड एजेंसीज है उनके साथ इंडियन एड एजेंसी जो है वो टाई अप कर रही है। एट प्रेजेंट अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया के टॉप 20 एड एजेंसी जो है उनके ग्लोबल पार्टनर या ओनर्स हैं, मतलब इंडिया की जो टॉप 20 एड एजेंसीज है उनका ग्लोबल लेवल पे उन्होंने जॉइंट वेंचर किया है, अलग अलग एड एजेंसीज के साथ उन्होंने जॉइंट वेंचर किया हुआ है, और जिसकी वजह से इंडियन एड एजेंसी को ग्लोबल मार्केट के साथ लिंक करना इजी हो चुका है या इंडियन एड एजेंसी को ग्लोबल मार्केट जो है अवेलेबल हो चुका है। नाउ 1991 में आपको पता है कि हमारे यहाँ पे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था। ये लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ था कि काफी सारी जो फॉरेन के एमएनसीज है मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है उन्होंने इंडिया में एंट्री करना शुरू किया। तो 1991 के बाद में जब लिबरलाइजेशन हुआ तो कौन से एमएनसीज इंडिया में आए, तो कोको कोला है, पेप्सी है, आईबीएम है, बीएमडब्ल्यू है, जनरल मोटर्स है, केलॉग्स है, ये सारी जो फॉरेन की एमएनसीज है उन्होंने इंडिया में एंट्री करना शुरू कर दिया। इसके लिए इंटरनेशनल एड एजेंसी जो है उन्होंने भी इंडिया के साथ टाई अप करना शुरू कर दिया, मतलब जैसे बिजनेसेस इंडिया में आने शुरू हो गए उसी तरीके से फॉरेन की एड एजेंसी जो है उन्होंने भी इंडियन एड एजेंसीज के साथ टाई अप करना शुरू कर दिया। यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। इंडिया का जो आरके स्वामी एड एजेंसी है उन्होंने फॉरेन का जो ये बीबीडीओ एड एजेंसी है उसके साथ मर्जर किया और अभी उसको आरके स्वामी बीबीडीओ इस नाम से जाना जाता है, तो ये एक बड़ी एड एजेंसी बन गई। तो इन्होंने क्या किया है, इंडियन एड एजेंसी ने और बीबीडीओ ये फॉरेन की एड एजेंसी ने मर्जर करके आरके स्वामी बीबीडीओ ये एड एजेंसी फॉर्म की है और ये एड एजेंसी जो है ग्लोबल लेवल पे अपना बिजनेस चलाती है। दूसरा एग्जांपल है एवरेस्ट एड एजेंसी जो है उसको साची एंड साची ये जो एड एजेंसी उसने टेक ओवर कर लिया। तो अगेन यहाँ पे क्या हो चुका है, इंडियन एड एजेंसी का फॉरेन के एड एजेंसी के साथ टाई अप हो चुका है और इस तरीके से ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू हो रहा है। फिर बाद में 2012 में जापान का जो डेंसु ये एड एजेंसी है उसने क्या किया, इंडिया का जो टैपरूट एड एजेंसी है उसके 51% शेयर जो है उसको अक्वायर किया। सो इस तरीके से ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जहां पे इंडियन एड एजेंसी जो है उन्होंने फॉरेन के एड एजेंसीज के साथ ज्वाइंट वेंचर किया हुआ है और जिसकी वजह से इंडियन एड एजेंसी जो है उनको वर्ल्ड मार्केट जो अवेलेबल हो चुका है। सो एड एजेंसीज में जो ग्लोबल ज्वाइंट वेंचर का ट्रेंड है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है रिसेंटली। देन सेकेंड वन इज मीडिया बाइंग एजेंसीज। नाउ आपको पता है कि एड एजेंसी का काम क्या होता है, तो एड एजेंसीज जो होती है वो अपने क्लाइंट्स के लिए एडवर्टीजमेंट को प्लान करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और मीडिया के अंदर प्लेस करते हैं। अभी कुछ ऐसे भी एड एजेंसीज निकले हैं जो क्या करते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए मीडिया के अंदर टाइम और स्पेस बुक करते हैं। सो ये मीडिया बाइंग एड एजेंसी जो इनका ट्रेंड काफी ज्यादा रिसेंटली बढ़ते जा रहा है। ये मीडिया बाइंग एड एजेंसीज के दो यहाँ पे फंक्शन दिए हैं। पहला फंक्शन ये है कि ये लोग क्या करते हैं, मीडिया के अंदर टाइम और स्पेस बुक करते हैं, मतलब कोई भी मीडिया होगा जैसे न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर के अंदर वो लोग क्या करते हैं, स्पेस को और टाइम को बुक करते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज, सेकंड पेज और लास्ट पेज जो है वो एड एजेंसी ने क्या किया, बुक करके रखा हुआ है। फिर वो एड एजेंसी क्या करेगी, वो जो स्लॉट है वो एडवर्टाइजर्स को बेचेगी, मतलब सपोज कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसको एडवर्टीजमेंट करना है टाइम्स ऑफ इंडिया में और उनको फ्रंट पेज पे एडवर्टीजमेंट करना है, तो ऑलरेडी एड एजेंसी ने फ्रंट पेज को बुक करके रखा हुआ है, वो एड एजेंसी क्या करेगी, वो एडवर्टाइजर जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे एडवर्टीजमेंट करना है उनको सेल कर देगी।
दूसरा एडवर्टाइजर है उसको सेकंड पेज पे एडवर्टीजमेंट करना है, तो एड एजेंसी क्या करेगी, वो जो उन्होंने टाइम और स्पेस बुक करके रखा हुआ है वो दूसरे एडवर्टाइजर को सेल कर देगी। तो इस हिसाब से ये मीडिया बाइंग एड एजेंसी जो होती है वो क्या करती है, मीडिया के अंदर टाइम और स्पेस जो होता है वो बुक करके रखती है, और फिर जिस एडवर्टाइजर को वो टाइम और स्लॉट की जरूरत होती है उनको वो सेल कर देती है। उसी के साथ साथ दूसरा यहाँ पे मीडिया बाइंग एड एजेंसी क्या करती है, तो टीवी चैनल्स और रेडियो स्टेशंस के ऊपर जो स्लॉट्स होते हैं उसके लिए शेड्यूल या टाइम टेबल प्रिपेयर करती है। तो ये मीडिया बाइंग एड एजेंसीज का बेसिकली काम क्या होता है कि एडवर्टाइजर के लिए वो लोग क्या करते हैं, मीडिया के अंदर टाइम और स्पेस जो होता है वो बुक करते हैं। देन थर्ड इज स्मॉलर निश एड एजेंसी। नाउ निश का मतलब क्या होता है, स्मॉल। सो यहाँ पे क्या होते जा रहा है कि कुछ डेवलप कंट्रीज के जो एडवर्टाइजर्स है जैसे यूएसए वगैरह है या यूरोप वगैरह है, तो वहां के जो एडवर्टाइजर्स है उन्होंने एड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जो एड एजेंसी को देना बंद कर दिया है। उसके बदले में उन्होंने क्या किया, खुद की इनहाउस एड एजेंसी शुरू कर दी है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज ने खुद के अपने एड एजेंसी का डिपार्टमेंट सेटअप करना शुरू कर दिया है, और उसके वजह से उनको एड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी एड एजेंसी को देने की जरूरत नहीं है और एड एजेंसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। वो लोग खुद के एडवर्टीजमेंट जो है खुद ही बनाएंगे, उसके लिए उन्होंने इनहाउस एड एजेंसी सेटअप किया। मतलब एक उन्होंने अपना डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है जो डिपार्टमेंट सिर्फ क्या करेगा, एडवर्टीजमेंट बनाने का काम करेगा। क्योंकि जनरली कैसे होता है कि हर एक कंपनी जो होती है वो प्रोडक्ट को बनाती है, सेल करती है, लेकिन एडवर्टीजमेंट बनाने का काम जो होता है वो एड एजेंसी को देते हैं, और एड एजेंसी जो होती है वो बिजनेस से अलग होती है, वो आपके बिजनेस का हिस्सा नहीं होती है, वो एक आउटसोर्सिंग काम होता है, एक एजेंसी होती है जो एडवर्टीजमेंट बनाने के काम में स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनको एडवर्टाइजर्स एड बनाने का काम देते थे। लेकिन आजकल बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे एड एजेंसी को काम देना उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने खुद का ही इनहाउस एड एजेंसी जो है सेटअप करना शुरू कर दिया, जहां पे वो खुद के हिसाब से एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है पीएनजी का। पीएनजी मतलब प्रॉक्टर एंड गैम्बल। इन्होंने क्या किया हुआ है, लास्ट 3 इयर्स में उन्होंने अपनी एड एजेंसी जो है उनको कम कर दिया है, और एड एजेंसी को उन्होंने ऑलमोस्ट 50% काम देना बंद कर दिया है। मैक्सिमम काम जो है वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल खुद ही करते हैं, वो लोग खुद ही अपने एडवर्टीजमेंट बनाना शुरू कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो लार्ज कंपनीज होती है या एडवर्टाइजर्स होते हैं उन्होंने खुद के एडवर्टीजमेंट खुद बनाने का आजकल डिसीजन लिया हुआ है। वो दूसरे एड एजेंसीज को अपना काम जो होता है एडवर्टीजमेंट बनाने का वो अलॉट करते नहीं है। तो यूएसए में काफी सारे ऐसे ब्रांड्स है या काफी सारी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने थोड़ा थोड़ा या पूरा का पूरा जो एड बनाने का काम होता है वो खुद ही करना शुरू कर दिया है। मतलब उनका दूसरे एड एजेंसी के ऊपर का जो डिपेंडेंस है वो थोड़ा सा भी कम कम होते जा रहा है। क्योंकि क्या होता है कि अगर सपोज छोटी कंपनी होती है और वो अगर कभी कभार एडवर्टीजमेंट बनाते हैं तो वो लोग अगर एड एजेंसी को काम देते हैं तो वो चल जाता है, लेकिन बड़ी कंपनी है जिनको कंटिन्यूअसली एडवर्टीजमेंट बनाने हैं तो वो लोग फिर ऐसे सोचते हैं कि हम लोग एड एजेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, हम लोग खुद का एड एजेंसी खुद स्टार्ट करेंगे और हम लोग वो एड एजेंसी के थ्रू खुद के एडवर्टीजमेंट खुद बनाएंगे करके। तो ये एक नया ट्रेंड जो है एड एजेंसी में चल रहा है कि बहुत सारी कंपनी खुद की इनहाउस एड एजेंसी स्टार्ट कर रही है। देन नेक्स्ट वन इज लेस इन्वेस्टमेंट बाय एड एजेंसीज। काफी सारी एड एजेंसीज ने इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम कर दिया है। उसका रीजन मैंने आपको अभी बताया कि काफी सारी कंपनी जो है खुद का एड डिपार्टमेंट जो है वो सेटअप कर रहे हैं या इनहाउस एड एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, तो एड एजेंसीज का जो डिमांड है वो थोड़ा कम होते जा रहा है। इसके लिए एड एजेंसीज अपने बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे नहीं है। इसके लिए मैंने आपको बताया लेस इन्वेस्टमेंट बाय एड एजेंसीज। सो एड एजेंसीज जो है वो अपने एम्प्लॉयज पीपल मतलब क्या होता है एम्प्लॉयज में कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग में कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सेल्स में कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एड एजेंसीज में रिक्रूटमेंट जो थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुका है, मतलब ऑब्वियसली एड एजेंसीज जो उनकी डिमांड कम हो रही है तो वहां पे ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट जो कम होगा। रिक्रूटमेंट मतलब क्या, एम्प्लॉयज की भर्ती करना। तो बिकॉज एड एजेंसीज की डिमांड कम होते जा रही है तो वो लोग एम्प्लॉयज की भर्ती करेंगे नहीं। तो एडवांस कंट्रीज में एड एजेंसीज जो है उसके अंदर एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट जो है वो स्लो डाउन होते जा रही है, और उसका रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि काफी सारी कंपनी जो है इनहाउस एड एजेंसीज के तरफ शिफ्ट होते जा रही है या वो खुद के स्मॉल क्रिएटिव बुटीक्स बनाते जा रहे हैं। स्मॉल क्रिएटिव बुटीक्स मतलब क्या होता है, वो कुछ जो काम होते हैं वो खुद करते हैं और कुछ काम जो होते हैं वो एड एजेंसीज को देते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे एड एजेंसीज की डिमांड जो है वो कम होते जा रही है क्योंकि कंपनियां खुद की इनहाउस एड एजेंसीज कर रही या कुछ काम जो है एडवर्टीजमेंट का वो लोग क्या कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, और कुछ काम जो है वो आउटसोर्स कर रहे हैं। तो इसकी वजह से एड एजेंसी की डिमांड कम हो रही है, तो एड एजेंसी ने इन्वेस्टमेंट करना कम कर दिया है। और कहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट कम कर दिया है, तो एम्प्लॉयज में, मार्केटिंग में और सेल्स में इन्वेस्टमेंट करना उन्होंने कम कर दिया है। एंड द लास्ट वन इज इंडिया टॉप एड एजेंसीज। सो बेसिकली इंडिया के 4 टॉप एड एजेंसीज है,
जिन्होंने 2016-17 से अपनी जो ये टॉप एड एजेंसी की इमेज है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। और ये कौन सी टॉप एड एजेंसीज है इंडिया की, तो पहली है ONM जिसको ओजिल्व एंड मैथर बोलते हैं, देन लो लिंटास ये वाला, फिर मैकेन वर्ल्ड ग्रुप ये वाला, और फिर बाद में जे वॉल्टर थॉम्सन ये वाला। तो ये इंडिया की टॉप 4 एड एजेंसीज है जिन्होंने ये टॉप की जो पोजीशन है वो 2016-17 से मेंटेन करके रखी हुई है। तो ये सारा ट्रेंड था या ये सारी चीजें जो है एड एजेंसी में हम लोग रिसेंटली देख रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेंड्स इन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ये मेरे URL है जहां से मैंने इमेजेस लिए है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।